हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 800 मीटर की जो दौड़ है और 100 मीटर की दौड़ है, उसको कैसे आपको दौड़ना है, ठीक है। उसको इस वीडियो में मैं बताने का प्रयास करूंगा कि आपको किस तरीके से दौड़ना है जिससे आपके पैरों में दर्द ना हो, ठीक है, और जो सीने में दर्द होता है वो भी दर्द ना हो। आप लोग गलत तरीके से दौड़ रहे हैं और मेरे को बार बार कमेंट कर करके पूछ रहे हैं कि सर कुछ बताइए। जो लगातार मेरे को दो तीन दिन से कमेंट कर रहे हैं, उन लोग का मैं नाम ले रहा हूं। इन लोग को दौड़ने में बहुत दिक्कत जा रहा है। सुनीता गौड़, रोशन देवांगन, राहुल गुप्ता, सीमा लहरे, इन लोग मेरे को बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर आप दौड़ के बारे में कुछ बताइए कि हमें स्टार्ट कैसे करना है। जितने इन लोग कमेंट कर रहे हैं, इन लोग का पैर में भी बहुत दर्द और सूजन आ गया है। तो कारण क्या है, कैसे इन लोग दौड़ रहे हैं और क्या गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं उसी गलती को बताने वाला हूं और आप लोग ऐसी गलती ना करें। चलिए, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा और इसको आप फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा और पैरों में दर्द बहुत कम होगा, ठीक है। कैसे दौड़ना है, किस टाइम में दौड़ना है, कैसे आपको दौड़ना है, उसको बताएंगे, ठीक है। मान लीजिए ये अपना क्या है, 400 मीटर की ग्राउंड है जहाँ पर आप दौड़ने के लिए जाते हो सुबह शाम, जिस टाइम आपको, ठीक है, टाइम मिलता है उस टाइम आप जाते हो, ठीक है। मान लीजिए इस पॉइंट से हम शुरू कर रहे हैं स्टार्टिंग, ठीक है। यहाँ से आपको ऐसे एक चक्कर लगाओगे इसके तो कितना हो गया, ये 400 मीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा चक्कर लगाओगे तो 800 मीटर हो जाएगा, ठीक है। यदि आप इसको 2 मिनट तक दौड़ लेते हैं, पुरुष अभ्यर्थी, यदि आप पुरुष अभ्यर्थी हो और 2 मिनट में 2 चक्कर लगा लेते हो तो आपको कितने नंबर मिलेगा, 20 नंबर मिलेगा। यहीं पर यदि आप महिला हो, महिला अभ्यर्थी हो, तो 2 मिनट 30 सेकंड तक यदि आप 2 चक्कर लगा लेते हो आपको मिलेगा 20 नंबर। और सेम भूतपूर्व सैनिक, महिला या पुरुष, आप 2 मिनट 30 सेकंड तक दौड़ते हो तो आपको 20 नंबर मिलेगा। यदि पुरुष 2 मिनट 30 सेकंड में यदि आप दौड़ते हो तो आपको 14 नंबर मिलेगा। वहीं महिलाओं को 3 मिनट, ठीक है, 3 मिनट तक दौड़ते हो तो आपको 14 नंबर मिलेगा। और भूतपूर्व सैनिक को भी 3 मिनट में अगर दौड़ लेते हो तो आपको 14 नंबर मिलेगा, ठीक है। पुरुष अभ्यर्थियों को 3 मिनट 30 सेकंड में दौड़ लेते हो तो आपको 7 नंबर मिलेगा। 3 मिनट तक यदि आप दौड़ते हो तो आपको 7 नंबर मिलेगा। वहीं महिला कैंडिडेट को 3 मिनट 30 सेकंड तक यदि आप दौड़ते हो तो आपको 7 नंबर मिलेगा। और भूतपूर्व सैनिक हो, महिला पुरुष, तो उसको भी आपको 3 मिनट 30 सेकंड तक यदि आप दौड़ लेते हो तो आपको 7 नंबर मिलेगा, ठीक है। और अन्य से अगर 3 मिनट से कुछ ज़्यादा होता है, अगर पुरुष की बात है, तो आपको 0 नंबर मिलेगा। और यहीं महिलाओं के लिए 3 मिनट 30 से यदि आपको अधिक समय लेते हो तो आपको 0 नंबर मिलेगा, तो ठीक है। नहीं, इन लोग कमेंट कर रहे हैं तो इन लोग के दर्द में, जो पैरों में दर्द हो रहा है, ठीक है, वो इन लोग क्या गलती कर रहे हैं, क्योंकि अभी फिजिकल का टाइम बहुत दूर है और आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, तेज़ गति से आप दौड़ लगा रहे हो, ठीक है, टाइम देख देख के। अगर 2 मिनट में मेरे को कम्प्लीट करना है, पुरुष हो तो, महिला है तो कम से कम मेरे को 20 नंबर लाना है, ऐसे सोच के आपका तैयारी नहीं है मजबूत, ठीक है। कहने को मतलब है कि आप तैयारी अभी अच्छे से नहीं की हो, 2-4 दिन ही गए हो और आप बोल रहे हो कि मेरे को इतना टाइमिंग कम करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। ऐसे आप दौड़ोगे तो सीने में दर्द होगा, आपको जो सांस फूलता है वो तेज़ी से होगा और पैरों में आपको दर्द होगा। तो स्टार्टिंग में आपको कोई टाइम नहीं देखना है, ठीक है, कोई टाइम आपको नहीं देखना है। आप डेली जाइए सुबह शाम, यहाँ से बिना टाइमिंग देखे राउंड मारिए, जितना आप हो सके उतना राउंड मारिए। मिनिमम कम से कम आपको
800 मीटर के लिए तैयारी कर, तो कम से कम मेरा सजेस्ट मेन है कि आप 3 चक्कर 4 चक्कर लगाएं, ठीक है। धीरे धीरे से स्टार्ट करें, ठीक है, तेज़ गति से ना दौड़ें। अगर अभी से टाइमिंग देख के आप दौड़ोगे तो आपको पैरों में दर्द होगा, सांस फूलने लगेगा, जैसे आप पे पैरों में तेज़ गति से दर्द होगा, पेन होगा हड्डी में, तो आप दौड़ नहीं पाओगे। फिर बोलोगे कि सर आप अच्छे से बताएं नहीं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कई लोग बोलेंगे सर टाइमिंग कम नहीं हो रहा है, तो हमें उसी टाइम में सेट करके दौड़ना है, चाहे दर्द हो कि ना हो। तो देखिए वो आपकी, देख आपका बॉडी किस टाइम से ले रहा है, ठीक है, उसी के हिसाब से आपको दौड़ लगाना है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ इसमें करोगे तो आपको लंबा, ठीक है, उसमें दर्द नहीं होगा, आपका जो नंबर चाहिए उतना नंबर आप आसानी से ला सकते हो, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। और कोई इसमें शॉर्टकट कोई टिप्स नहीं है, डेली आप जाइए सुबह शाम, और जो मैं विधि बता रहा हूँ, ठीक है, उसी विधि से आपको दौड़ना है। यानी कि पुरुष हो आप, अब मेरे को 2 मिनट में दौड़ना है, तो आप यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किए बहुत तेज़ी गति से, एक राउंड तो मान लिए, मान लो समथिंग आप 1 मिनट में कंप्लीट कर लिए पहला राउंड, अब दूसरा राउंड को भी 1 मिनट में आपको कंप्लीट करोगे तब जाके 20 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से दौड़ते दौड़ते यदि जाओगे और आप लंबे दौड़ की प्रैक्टिस नहीं किए हो, तो मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों आप उसको 2 मिनट में नहीं दौड़ पाओगे, ठीक है। दौड़ते दौड़ते आओगे, सांस फूल जाएगा, पैरों में दर्द बढ़ जाएगा, उसके कारण आप उसको दौड़ नहीं पाओगे। फिर बार बार आके किसी से पूछोगे सर दौड़ में इम्प्रूव नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो कैसे होगा। दो एक हफ्ता आप गए और एक हफ्ते में बोलोगे कि मैं 800 मीटर को 2 मिनट में 1 मिनट 50 सेकंड में मार दूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपको लंबा टाइमिंग देना ही पड़ेगा, तब जाके आप कुछ कर पाओगे, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको डेली टाइम देना ही देना है, बिना टाइम देखे अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर जो मेरे हुए बताए टिप्स को आप फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको पैरों में दर्द नहीं होगा, आप जितना नंबर लाना चाहते हो उतना हाईएस्ट नंबर ला सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको धैर्य रखना है, पेशेंस बना के रखना है, धीरे धीरे आपको दौड़ की प्रैक्टिस करना है, जैसे जैसे टाइमिंग आते जाएगा ऑटोमेटिक्स, ठीक है, आपको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपका टाइम ऑटोमेटिक कम होते जाएगा, ठीक है। आप इसको फॉलो करिए। और रही 100 मीटर के बारे में जो बोल रहे हैं, तो सेम पद्धति है, आप अभी स्टार्टिंग है तो ज़्यादा लंबे की दौड़ कीजिए, ठीक है। 800 मीटर की आप तैयारी कीजिए, हो सके तो 1600 दौड़िए जब आएगा, ठीक है। फिजिकल का जब टाइम आएगा, फिर भी आपके पास 1-1.5 माह समय रह जाएगा, आपके एडमिट कार्ड आने के बाद भी आपको 1 माह का समय दिया जाता है, ठीक है। उस टाइम में आप इसको तेज़ी से करोगे तो आपको लाभ मिलेगा, डेफिनेटली लाभ मिलेगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में मैं इतना ही जानकारी देने वाला था दोस्तों। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यदि मेरे इस वीडियो से यदि आपको हेल्पफुल मिला हो, तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडिया गार्ड।